कहते हैं सफलता किसी भी मनुष्य को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो राजा का बेटा हो या फिर किसी डॉक्टर की बेटी क्यों ना हो। आज हम आपको भीलवाड़ा की रहने वाली एक ऐसी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने पिता के तरह डॉक्टर बनने का सपना लेकर पहली बार में उन्होंने नीट 2023 में ऑल इंडिया में अच्छा स्कोर किया है। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली सलोनी जैन ने ऑल इंडिया में 665वीं रैंक हासिल की है, जिसके चलते परिवार में खुशी की लहर छा गई। वहीं सलोनी के पिता राजेश जैन के नक्शे कदम पर सलोनी चल रही है। सलोनी के पिता स्वयं भी डॉक्टर है और अब सलोनी भी उनके नक्शे कदम पर चलने की राह पर निकल पड़ी है। ऑल इंडिया में सलोनी ने 665 रैंक हासिल की है। आइए जानते हैं सलोनी की इस कामयाबी के पीछे क्या है राज। मैंने नीट 2023 में 665 रैंक ऑल इंडिया रैंक विद 691 मार्क्स आउट ऑफ 720 हासिल किए। मैं पढ़ती थी, क्लासेस के दिन मैं 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ती थी और जिस दिन क्लासेस नहीं होती थी उस दिन मैं 12 घंटे पढ़ती थी। 8th-9th क्लास से टारगेट बन गया था कि नीट देना है। जिस दिन स्ट्रेस होता था उस दिन तो मम्मी पापा से बात कर लेते थे या फिर कभी टीचर्स से बात कर लेते थे और बस कुछ हॉबीज मैंने डेवलप कर रखी थी उससे स्ट्रेस कराया था। मम्मी पापा भैया एलएन के टीचर्स और मेरे बैच में, बस इसलिए क्योंकि मतलब गधों के बीच में घोड़ा तो हर कोई बन जाता है। मेरे बैच में इतने अच्छे थे कि उनके मार्क्स देख देख के मुझे अंदर से मोटिवेशन फील होता था कि मैं और अच्छा करूँ। तो बस मतलब सोशल मीडिया तो कट ऑफ होना चाहिए, बट अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हो तो फिर वो मतलब रह जाता है कि सोशल मीडिया यूज़ करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आप एक टिप दे रही हूँ कि आप स्क्रीन टाइम जो है फ़ोन में उसको मतलब इनेबल करो। और MBBS करने के बाद मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनने का अभी तो सपना है, बस पापा की तरह एक सर्जन बनने। बेटी का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, हमने उसके इस सपने में और आगे बढ़ाया और उस बच्ची ने 3 साल नीट की तैयारी की। एक माँ का दिल तो हमेशा बच्चों के लिए चिंता से ग्रस्त रहता है। कभी कभी जब वो डीमोटिवेट हो जाती थी तो अपनी टेंशन हमारे से बात करके वो दूर कर दिया करती थी, पर स्वाभाविक है कभी कभार मुझे भी चिंता होती थी, पर बिना मेहनत के सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं कंटिन्यू 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर रही हूँ और ये 11th-12th से नहीं कर रही है, वो क्लास से धीरे 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 अपने आप को ट्रेंड कर रही थी इस मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। और एग्ज़ाम में लास्ट में बिल्कुल वो स्ट्रेस फ्री रही, इस वजह से उसका जो एग्ज़ाम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी जो है माता पिता को ही होती है अगर उनके बच्चे कुछ